इस तरफ मिला गया। इस तरह दो पांव को नहीं छीना जा सकता है। मेरी डॉक्टर के साथ रेप की वारदात ने पूरे देश को झकझोर में डालकर रख दिया है। इस मामले में कई हैरान कर देने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप केस के ग्रुप में एक लड़की भी शामिल है और लड़की के साथ साथ कुछ उसके दोस्तों को भी साथ में शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। ये हैरान करने वाला खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि कोलकाता में वहीं पर एक डॉक्टर हैं उन्होंने ही किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहले लेडी डॉक्टर के साथ मारपीट की गई और उसके बाद जानबूझकर उनके साथ रेप कराया गया। इस पूरे कांड में यानी कि रेप करने वाले लड़कों के ग्रुप में एक लड़की भी शामिल है। बता दें कि जानकारी निकल कर आ रही है कि लड़की ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इस केस में शामिल हैं। इन खुलासों के बाद लेडी डॉक्टर रेप केस की प्रक्रिया और भी उलझती नजर आ रही है। जहां एक और इस केस की जांच सीबीआई कर रही है, इस केस में कई तरह के गंभीर खुलासे हो रहे हैं। उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी इस मामले में कितनी परतें खुलेंगी और ना जाने कितने लोगों के नाम उजागर होंगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हॉस्पिटल के कर्मचारियों यानी कि वहां के डॉक्टरों के पसीने छूटते जा रहे हैं। इस दौरान यह जानकारी भी सामने आ रही है कि पश्चिमी बंगाल की जो सरकार है वो वहां पर कई बड़े लोगों को बचा रही है। मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही हैं उनके मुताबिक डॉक्टर ने इस बात का दावा किया है कि इस घटना को पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। बता दें कि जिस हॉस्पिटल में रेप केस और ये दरिंदगी हुई है उस हॉस्पिटल का जो सेमिनार है वहाँ पे डॉक्टर्स लंच करते थे और लंच करने के बाद आराम करते थे, लेकिन 9 अगस्त की रात को जो पीड़िता है उसे अकेले ही इस सेमिनार हॉल में भेजा गया ताकि वह वहाँ पे आराम कर सके। लेकिन उसके साथ जो घटना हुई उसके बाद वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और जो पीड़िता के दोस्त हैं जो उसके साथ खाना पीना उठना बैठना करते थे वहीं पर मौजूद थे। पीड़िता ने उन सभी दोस्तों के साथ खाना खाया और लंबी ड्यूटी के बाद यानी कि लंबी ड्यूटी करने के बाद उसे थकान महसूस हुई और फिर कुछ समय के बाद वो पीड़िता वहीं बैठकर कुछ समय के बाद वहीं पर सो गई। पीड़िता के साथ जितने भी लोग थे यानी कि उसके साथी लोग नर्स शामिल थे सभी को इस कांड के घेरे में शामिल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस सेमिनार हॉल में इस कांड को अंजाम दिया गया है उस दिन उस पीड़िता को अकेले ही इस सेमिनार हॉल में जाने के लिए बोला गया था। बता दें कि इस पीड़िता उस सेमिनार हॉल में कभी भी अकेली नहीं जाती थी, जब भी जाती तो अपने कुछ डॉक्टर साथियों को साथ में लेकर ही जाती थी। लेकिन आखिर उस वक्त यानी कि 9 अगस्त की रात को वहां पर पीड़िता को अकेले क्यों भेजा गया? सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अकेला भेजा भी गया तो उसके साथी डॉक्टर जो हमेशा सेमिनार में आते जाते थे उन्हें उस दिन वहां यानी कि 9 अगस्त की रात को वहां जाने की परमिशन क्यों नहीं दी गई? और दिन भी उसके साथी लोग साथी डॉक्टर वहां पे खाना खाने आराम करने लंच करने जाते थे लेकिन उस दिन यानी कि 9 अगस्त की रात को उसके साथी डॉक्टर को वहां पर जाने क्यों नहीं दिया गया? यहां पर ये सबसे बड़े गंभीर सवाल खड़े होकर आ रहे हैं। बता दें कि जो पीड़िता के साथ सेमिनार हॉल में जाने वाले साथी डॉक्टरों को ये बोलकर नहीं जाने दिया कि आज हॉल में कंस्ट्रक्शन का काम होना है, ज्यादा लोग जाएंगे तो वहां पर काम में रुकावट हो सकती है। आखिर अंत में वो पीड़िता ने लंबी ड्यूटी के बाद थकान महसूस होने के बाद अकेले ही चली गई। पीड़िता ने अपने डॉक्टर साथियों के साथ सेमिनार हॉल में जाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके साथी डॉक्टर्स को साथ में जाने से मना कर दिया गया। लेकिन अंत में पीड़िता उस सेमिनार हॉल में अकेले ही जाकर आराम करने लगी। बता दे कि घटना से ठीक कुछ समय पहले 4 लोगों ने लड़की के साथ खाना खाया था जिनमें एक लड़की भी शामिल थी। पीड़िता के साथ 4 लोगों की लड़ाई हुई
और फिर इन चारों लोगों ने हमला करने की एक प्लानिंग बना ली। कहा जा रहा है कि पीड़िता ने सेमिनार हॉल में जाने से पहले इन चारों लोगों के साथ खाना खाया और फिर पीड़िता के साथ इन चारों की कहासुनी हुई। इन चारों लोगों के बीच शामिल उस लड़की ने पीड़िता को धमकी दी और फिर वो लड़की वहां से उठकर चली गई। इसके बाद साथियों ने जाकर जमकर शराब पी और फिर वापिस आकर पीड़िता पर हमला कर दिया। सबसे पहले दो लोगों ने उसके हाथ पकड़े और ग्रुप में शामिल यानी कि ग्रुप में जो लड़की शामिल थी वो भी उन लड़कों की मदद कर रही थी। उसके बाद पीड़िता को जोर से जमीन पर पटक दिया गया और जोर से पटकने की वजह से लेडी डॉक्टर का पैनिक बोन टूट गया और फिर कॉलर बोन टूटा और फिर उसके बाद पीड़िता के साथ दरिंदगी की गई। लेकिन इस दौरान यह भी खुलासा किया गया कि उस दौरान पीड़िता को पेट पर चढ़कर उसे गन सेपर से मारा गया। पीड़िता के शरीर के कई हड्डियां टूटने के बाद भी दरिंदों का जी नहीं माना तो उन्होंने पीड़िता का गला पकड़कर दबा दिया। उन्होंने पीड़िता के साथ अत्याचार किया और फिर नीचे आए तो वहां पर लड़के शराब पी रहे थे। उन लोगों को पता था कि लड़के शराबी हैं और उनका गलत लोगों के साथ उठना बैठना है, यानी कि सभी डॉक्टर्स को पता था कि उन लोगों का गलत लोगों के साथ उठना बैठना होता है। इसके बाद उन लड़कों से कहा गया कि जाओ, तुम्हारे लिए सेमिनार हॉल में कुछ रख कर आए हैं, जाओ और अपना काम करो। इसके बाद वे लड़के सेमिनार हॉल में पहुंचे और पीड़िता के साथ दरिंदगी करनी शुरू कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद वे लड़के बाथरूम में गए, अपने आप को क्लीन किया और फिर सारे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन पकड़ा गया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़का। बता दें कि ये जो सारे दावे हैं ये हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ चुकी है कि किस तरह से पीड़िता के साथ दरिंदगी की गई है। पीड़िता के माता पिता ने भी यह कहा कि पीड़िता के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान भी हैं। इन गंभीर चोटों को देखकर समझा जा सकता है कि पीड़िता ने कितना दर्द सहन किया होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब खुलासों में कितनी सच्चाई है ये सब जांच रिपोर्ट आने के बाद सार्वजनिक जमीन पर उतारा ही जाएगा। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये आवाज रुकने नहीं चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। अपनी आवाज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो और अपनी बेटियों को इस काबिल जरूर बनाएं कि कोई उनको हाथ लगाने तक का साहस ना कर सके। इन दरिंदों की वजह से आज भी हमारी बेटियां घर से बाहर निकलते वक्त डरती हैं। इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, होनी चाहिए। अपनी आवाज़ को बढ़ाओ, इनको फांसी दिलवाओ। लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। कोलकाता लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाओ।